हेलो गाइस, वेलकम। आज हम करने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल का पूरा 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 पीरियोडिक टेबल रट डालेंगे। सो, देखो, इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो मतलब अगर तुम मेरे को फॉलो करते हो तो तुम पूरा पीरियोडिक टेबल तुम्हें अच्छे से याद हो जाएगा, जस्ट ट्रस्ट मी। सो पहले कुछ एलिमेंट्स 1 से 30 तक के, 13 नहीं, 30 तक के लर्न कर लो, ठीक है? 1 से 30 तक के लर्न कर लो एलिमेंट्स, यानी सीक्वेंस में। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिल्कन, फास्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। मैं लिख देता हूँ उसको, तुम्हें देख देख के एक दो बार रिपीट करो। देखो, एक और चीज़ तुमको, एक और चीज़ पता होनी चाहिए, सिंबल। और सिंबल से फिर जो एलिमेंट आ रहा है, ठीक है, मतलब सिंबल का जो एलिमेंट है, मतलब जैसे अगर मैं तुम्हें कह दूँ डब्ल्यू, तो तुम्हें पता होना चाहिए टंगस्टन है, चलिए हार्ड ले जाए। मैं सोडियम Na, ठीक है, तो पता होना चाहिए पोटेशियम K। तो ये कैसे पता होगा? ये पता, देखो, सिंपल है। तुमको ना क्या करना पड़ेगा, तुम एक पीरियोडिक टेबल सामने रखो, एक एक एलिमेंट पढ़ते जाओ, सिंबल देखते जाओ, सिंबल देखो, पढ़ो एलिमेंट का नाम, ठीक है? देखो सिंबल, मन में आना चाहिए उसका नाम, तो तुम्हें धीरे धीरे फिर वो याद हो जाएगा, और रटते रटते वो आ ही जाता है, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट 1 से 30 तक तुमको याद करना पड़ेगा। कैसे याद होगा, रिपीट करो। अब मैं तुमको क्या करता हूँ, मैं 30 तक बता देता हूँ एक बार, फिर तुम इसी चीज़ को बार 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 रिपीट पर देखो, 10-15 बार में हो जाएगा। टाइम तो देना पड़ेगा ऑब्वियसली। हाइड्रोजन, देखो, अब मैं क्या करूँगा, सिंबल लिख रहा हूँ, बोलूँगा लेकिन एलिमेंट का नाम। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकन, फिर आ जाता है फास्फोरस, सल्फर, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। यहाँ तक 20 हो जाता है, फिर यहाँ से करते हैं स्कैंडियम, SC है ना, हाँ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, एंड देन वी हैव जिंक, ठीक है? तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इनको ना थोड़ा अलग से याद करना, ये डी ग्रुप का स्टार्टिंग है, तो ऐसे याद रखा था। स्कैंडियम से स्टार्ट होता है, तुम्हें बताना चाहिए। कैल्शियम तक 20 एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, ये भी तुम्हें बताना चाहिए। एंड हाइड्रोजन, हीलियम ऊपर ऊपर आते हैं। अभी हम पीरियोडिक टेबल लास्ट में ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो तुम्हें एकदम क्लियर हो जाएगा। सो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। फिर से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो ये जो है ना, ये तुम्हें एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा एकदम याद होना चाहिए। सो, इसको एक दो बार वीडियो बैक करके रिपीट कर लो, ठीक है, जब तक याद ना हो, और फिर कंटिन्यू करते हैं। पूरा इरेज कर देता हूँ ना, क्लियर है ना? चलो, तो अब तुम्हें 1 से 30 तक याद हो गया होगा। फिर अब चालू करते हैं एस ब्लॉक। तुम्हें पता है पीरियोडिक टेबल एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में, ऐसे कुछ ब्लॉक्स में डिवाइडेड। लास्ट में बताता हूँ कैसे, अगर नहीं बता दो ऐसे पता होगा। एस ब्लॉक नहीं पता, कोई बात नहीं, इससे उसका कोई मतलब नहीं है। तो मैं पर ब्लॉक वाइज कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैंने लिया फर्स्ट ग्रुप, ग्रुप 1, फिर मैं ले लूँगा ग्रुप 2, ठीक है? सो ग्रुप 1 में देखो, ग्रुप 1 का कोड है या फिर ट्रिक है हलीना। देखो, मैंने क्या किया ना, जो कोड्स हैं ये तुमको काफ़ी सारे इंटरनेट पे मिल जाएंगे, जो मैंने लिए हैं, मैंने द बेस्ट उठाया है, जिससे अच्छे से याद हो जाता है, जिसमें जो एग्ज़ाम टाइम में भूलने के चांसेस कम से कम है। कुछ एक दो मैंने खुद बना दिए, कुछ मैंने उठाया इधर उधर से, तो तुम देख लो। अगर तुम्हें लगता है कोई कोड जो तुम्हें नहीं याद हो रहा है, यू कैन चेंज इट, यू कैन तुम अपने वे में उसे जो तुम्हें याद हो जाए उस तरीके से तुम कर सकते हो, अगर तुम कर पाओ तो। तो मैं अपना बता देता हूँ। खैर, हलीना, हलीना की, हलीना की रब, या फिर की करती कुछ भी, हलीना की रब से, ठीक है, हलीना की रब से। हिंदी में क्यों लिख रहा हूँ बताता हूँ बाद में।
हलीना की रब से फरियाद। अरे फरियाद, हलीना की रब से फरियाद। अब देखो इसमें हाइड्रोजन, फिर वहाँ हीलियम तो उधर जाएगा, हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, लिथियम, ठीक है, हाइड्रोजन लिथियम एंड सोडियम, तीन तो तुम्हें मिल गए। फिर ये के मिल गया पोटाशियम रुबीडियम, ये जो एस सी एस ए है यहाँ पर ये सीजियम के लिए होता है, एस सी एस सीजियम, और ये एफ आर फ्रेंचियम, फ्रेंचियम रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की कोई याद करना जरूरी नहीं है क्योंकि वो एग्जाम में नहीं आते, क्योंकि वो उन पर कोई स्टडी नहीं कर पाए, एक्चुअली बहुत कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करते हैं, तो इन पर स्टडी, इनके रिएक्शंस वगैरह स्टडी नहीं हो पाए हैं अभी तक, मे भी आगे जाकर हो तो नहीं हो पाए हैं, तो उसकी स्टडी नहीं करनी है हमको, है ना, तो हमें भी नहीं करनी है जब साइंटिस्ट ने नहीं की। तो हलीना की सबसे पहला तो एच हाइड्रोजन हलीना, हाँ हाइड्रोजन लिथियम सोडियम हलीना, हलीना पोटाशियम की है ना रब, रुबीडियम रब से सीजियम फरियाद फ्रेंच, हलीना की रब से फरियाद, सिंपल है, एकदम सिंपल है। का ग्रुप टू एलिमेंट्स देखो, ग्रुप टू एलिमेंट्स में हमें मिल, हमारा जो कोड है वो है बेटा बेटा मांगे कार कार एस सी डबल ओ टी, यार पता नहीं है स्पेलिंग होती है नहीं, खैर हमें एलिमेंट्स याद करने हैं। बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, ठीक है बाप राजी हो गया, मान गए, ओके। अब देखो इसको कैसे याद करना है, बेटा बी ई बेरिलियम मांगे, है ना, ये मांगे से हो जाता है अपना, एम जी से हो जाता है मैग्नीशियम, ठीक है, ए नहीं जी। फिर कार कार का, अरे आर नहीं, ये कन्फ्यूजन होती है, कार ऐसे कार का लगता है यार सी आर होगा, सी आर से क्रोमियम होगा, नहीं सी से कैल्शियम है, सी ए है ना, सी ए कार। फिर लेकिन स्ट्रॉन्शियम में एस आर है, ऐसे है कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम, फिर बैरियम एंड फिर यू हैव लास्टली रेडियम, ठीक है बैरियम रेडियम। सो इसका कैसे करना है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम एंड देन वी हैव बैरियम एंड रेडियम, अरे हाँ सही तो है, बैरियम एंड रेडियम, ठीक है। तो हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंशियम, ये कौन सा एफ है, हाँ बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बैरियम रेडियम, सो ये तुम्हें याद हो जाने चाहिए। फिर कंटिन्यू करते हैं, अच्छा हाँ इसमें एक चीज़, एक जो जहाँ पे जनरली भूलता है वो मैं बता रहा हूँ, मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम आता है, ऐसे ही याद कर लो क्योंकि ये कार ना कैल्शियम और क्रोमियम दोनों से कंफ्यूज कर सकते हैं, तो मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम आता है, ओके एक सेकेंड मुझे दे दो, ओके लेट्स कंटिन्यू। सो हो गया था ये हो गया था, इसके बाद आता है एस ब्लॉक कंप्लीट, ठीक है इस ब्लॉक में बस ग्रुप वन ग्रुप टू एंड ये हो गया कंप्लीट, ठीक है हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, चलो अब आ जाते हैं पी ब्लॉक पे। पी ब्लॉक में सिक्स ग्रुप्स होते हैं क्योंकि पी सबसेल में सिक्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से पी ब्लॉक में सिक्स ग्रुप होते हैं। एस वाले में दो होते हैं तो एक ऑर्बिटल होता है, इस वजह से दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए दो ग्रुप्स होते हैं। डी वाले में पांच ऑर्बिटल्स होते हैं, हर ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से दस ग्रुप में आ जाता है डी ऑर्बिटल। सो ये जो है, अगर तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा तो ऊपर से जा रहा होगा, बट पढ़ा है तो समझ आ गया होगा तुम्हें। कंटिन्यू करते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में देखो क्या है, पहले तो ग्रुप 13 की बात करते हैं, इसमें टर्न बाय टर्न चलना पड़ेगा, ओके। सो ग्रुप 13 में हमारे पास आता है
पहले तो यार देखो एक चीज़ याद रखो, ग्रुप 13 से ये स्टार्ट होता है, पहले तो इतना ही ये भी समझ आना याद होना चाहिए। ग्रुप 13, ग्रुप 14, देन वी हैव ग्रुप 15, देन वी हैव ग्रुप 16, देन वी हैव ग्रुप 17 एंड देन वी हैव ग्रुप 18 और ये लास्ट ग्रुप है। 18 ग्रुप्स होते हैं हमारे पूरे प्रोडक्ट टेबल में। सो देखो अब तुम्हें ना ग्रुप के हेड्स याद होने चाहिए, क्योंकि हम कई बार ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं कि ये नाइट्रोजन फैमिली का है, ये ऑक्सीजन फैमिली का है, ये फ्लोरिन की फैमिली का है, तो वो तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि वो ग्रुप के हेडिंग एलिमेंट्स होते हैं। तो इसमें जो हेडिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या है, अगर तुम्हें एटॉमिक नंबर याद है सीक्वेंस वाइज, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। मैंने तब बोल डाला, जरूरत भी नहीं थी वैसे। मैं क्या नहीं कह रहा, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये अगर तुम्हें ट्रेंड पता है तो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, मतलब अगर तुम्हें एटॉमिक नंबर याद है ना टर्न वाइज, तो ये तुम्हारी कई जगह पे हेल्प करेगा। तो जैसे यहाँ पे इसने हेल्प की और हमें पता चल गया कि यहाँ पे सबसे पहले बोरोन आएगा, फिर कार्बन आएगा, फिर नाइट्रोजन आएगा, फिर ऑक्सीजन आएगा, फिर फ्लोरीन आएगा, फिर नियॉन आएगा। सो ये पहला जो ग्रुप 13 का है बोरोन फैमिली का होता है, ग्रुप 14 कार्बन फैमिली, ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप 17 फ्लोरीन फैमिली, ग्रुप 18 नियॉन फैमिली। ठीक है, अब देखो बोरोन इसमें कौन, अब बस 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 इतना जानना जरूरी था, अब कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ग्रुप 13 बोरॉन, बोरॉन के बाद इसमें बोरॉन के और क्या क्या आते हैं, बोरॉन आता है, फिर हमारे पास आ जाता है एल्यूमिनियम, फिर आ जाता है हमारे पास गैलियम, फिर आ जाता है हमारे पास इंडियम एंड फिर आ जाता है हमारे पास थैलियम। थैलियम है तो थैलियम बट उसे TL से डिनोट करते हैं, ये मैं कह रहा हूँ सिंबल और नाम पता होना चाहिए तुम लोगों को। थैलियम के बाद अपना रेडियो एक्टिव आता है, उसके बाद मैं नहीं कर रहा, ठीक है, उसकी कोई जरूरत नहीं बात करने की बेचारा, ठीक है, कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। बोरॉन फिर क्या है, अरे ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तुम कैसे भी लिस्ट देख लो। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो अब देखो इसकी ट्रिक क्या है, बैगेट है ना, इसकी ट्रिक क्या है, bagit.com। तुमने एक शॉपिंग वेबसाइट खोली है जिसका नाम है bagit.com, मतलब वहाँ पे सब लोग बैग में भर के सबको ले जाते हैं, bagit.com, ठीक है, सब कुछ bagit कर लो, तो bagit.com, और इसमें तुम्हें सिर्फ bagit याद रखना है, ठीक है, bagit याद रखना है, सी नहीं bagit याद रखना है। अब देखो, अब बी से बोरॉन, ए से एल्यूमिनियम, ठीक है, जी से गैलियम, आई से इंडियम, टी से थैलियम, समझ गए होगे। सो ये तरीका है इसको समझने का, ग्रुप 13 को याद करने का, ठीक है, तो bagit.com याद रखो एंड यू आर डन विद इट, ठीक है, और तुम्हारा ये सारा हो जाएगा। फिर अब देख लेते हैं ग्रुप 13 हो गया, अब बात करते हैं ग्रुप 14 की। ग्रुप 14 कहाँ हो तुम, आ जाओ, चलो, ग्रुप 14 किसका है, ये है अपना कार्बन फैमिली, ओके, सो कार्बन फैमिली में हमारे पास है कार्बन, ऑब्वियसली, सिलिकन, जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन, ये थोड़ा सा स्पेशल है, SN होता है बट टिन नाम है, और फिर आ जाता है हमारा लेड, इसका भी PBAT याद ही होगा वैसे। तो कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन, लेड। अच्छा, अब इसमें ट्रिक क्या है, ट्रिक है काशी गए संत प्रभु, ठीक है, काशी, ट्रिक्स में ग्रामर नहीं लगती है, ठीक है, काशी, अरे यार, गए संत, संत प्रभु, साथ काशी गए संत प्रभु, इसमें तुम्हें क्या याद रखना है, काशी कार्बन आ गया, गए, सॉरी नहीं, सी रह गया, सी सिलिकन, गए जर्मेनियम, हाँ एक चीज़ पता करना, ये GA है तो इससे कन्फ्यूजन होता है, गैलियम नहीं है, गैलियम इसके नेक्स्ट पे, एक सेकंड, ये गैलियम, हाँ गैलियम नहीं है, ओके, गैलियम पहले वाले में था ग्रुप 13 में। तो तुम एक चीज़ याद रख लो हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए, कि पहले आता है गैलियम, फिर आता है जर्मेनियम, ठीक है, ए पहले आता है कि ई पहले आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलो, ऐसा कुछ ऐसे इस हिसाब से पीरियोडिक टेबल ने डिज़ाइन किया है, बट ऐसे बता रहा हूँ याद करने के लिए, इसको अल्फाबेटिकल समझो, ठीक है, अल्फाबेटिकल, और इसको इस तरीके से तुम याद कर लो, ठीक है। अब मैं वीडियो बार बार पॉज क्यों कर रहा हूँ, एक्चुअली ये अभी जैसे अल्फाबेटिकल मैंने बताया, तो ये अच्छी ट्रिक है याद करने के लिए कि गैलियम पहले आता है फिर जर्मेनियम आता है, तो मतलब वही है ना, अभी मेरे दिमाग में आया, अभी मैंने तुमको बताया और नोट्स में भी लिख लिया, तो इसलिए मैंने पॉज किया था, चलो ठीक है,
क्या था, कहाँ था, कहाँ था, कार्बन हो गया, सिलिकन, कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, ठीक है, संत प्रभु, संत प्रभु, ओके। तो यहाँ पे ये ए से कंफ्यूज मत हो जाना, गए हैं लेकिन ये गैलियम नहीं है, ठीक है, संत प्रभु, ओके, एस एन से याद रखो, टेन, टेन हो गया, एंड देन वी हैव लेड, पी बी, काशी गए संत प्रभु, और ये तुम्हारा हो गया ग्रुप 14 ख़त्म। थैंक यू काशी जाने के लिए। फिर अब क्या करेंगे, अब ग्रुप 15 करेंगे और क्या करेंगे, अच्छा एक सेकेंड, हाँ नहीं नहीं सही है, सब सही है, पहले का ग्रुप 13 का क्या है, बैगेट, बी से क्या है, बोरॉन, ए एल्युमिनियम, जी क्या है, गैलियम, गैलियम पहले, फिर इंडियम, बैग इट, फिर इंडियम है, बैग इट आई, फिर टी थैलियम, ठीक है। अब ये वाला जो अभी मैंने बताया, काशी गए संत प्रभु, काशी का सी से कार्बन, सी से सिलिकन, गए जी ए से, जी ए नहीं, जी से जर्मेनियम, जर्मेनियम, एंड देन काशी गए संत प्रभु, संत एस एन, एस एन से तुम्हें पता होना चाहिए 10 होता है, ठीक है, और फिर काशी गए संत प्रभु, और पी से यू, और पी बी से तुम्हारा है लेड, सो ये भी हो गया। चलो अब देखते हैं ग्रुप 15, 15 यार, 15, ग्रुप 15, तो ग्रुप 15 कौन सी फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली है, और नाइट्रोजन फैमिली में हमारे पास है ऑब्वियसली नाइट्रोजन है पहले तो, फिर फॉस्फोरस है, फिर हमारे पास है नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक, ठीक है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक, आर्सेनिक को ए एस लिखते हैं, फिर हमारे पास है एंटीमनी एस बी, एंटीमनी क्या है, एंटीमनी का एस बी, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, आर्सेनिक का ए एस होता है, ए आर नहीं होता है ना, एस बी एंटीमनी का होता है, फिर बिस्मिथ बी आई, एंड लास्टली वी हैव, लास्टली की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। चलो नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एस बी एन बी, अच्छा ओके, इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक बहुत ही सिंपल है, ना पास, ना पास सब बकवास, अगर तुम पास नहीं हुए तो सब बकवास है, तुम्हारी जिंदगी मर जाओ तुम बस, ठीक है। तो नाइट्रोजन एन से आ जाता है, फिर फॉस्फोरस पी से आ जाता है, ए एस आर्सेनिक, ठीक है, फिर एस बी से आ जाता है हमारा टिन, नहीं एंटीमनी, ठीक है, बी से आ जाता है बिस्मिथ, एंड बी से बी ए मत समझ लेना, वही है, छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है, ट्रिक में भी थोड़ा थोड़ा होता है, तो एक दो बार ना ऐसे रिपीट कर लो यार ग्रुप को भी एक बार, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक टिन क्या था, टिन, हाँ नहीं एंटीमनी बिस्मिथ, ऐसे ऐसे एक बार कर लो, ठीक है, ओके, अच्छा एस एन से क्या था, एस बी से क्या था, और पी बी तो पता ही होता है सबको, लेड होता है, तो एस एन से क्या है टिन, और एस बी से क्या है एंटीमनी, तो मैं याद होना चाहिए, इसमें ऐसे देख सकते हो लास्ट में एन है, इसमें भी लास्ट में एन है, चलो ठीक है, बट याद कर लो बेटर। ग्रुप 15 हो गया हमारे पास, अब हमारे पास आ जाता है ग्रुप 16, ग्रुप 16 में, ग्रुप 16 का जो हेड है वो है ऑक्सीजन, अच्छा जी ऑक्सीजन के साथ कौन है, ऑक्सीजन के साथ है सल्फर, देन वी हैव सेलेनियम, वी हैव टेलेरियम, वी हैव पोलोनियम, ठीक है, तो ये हमारे आर्सेनिक के मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम एंड देन पोलोनियम, तो ये हमारा क्या है ट्रैक है, ठीक है, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलेनियम पोलोनियम, क्या पोलोनियम टेल्यूरियम सेलेनियम, ठीक है, और ये क्या है सल्फर। चलो अब इसमें कैसे करना है, इसमें करना है इसकी ट्रिक है, ओ ओ स्टाइल, स्टाइल से तेल, तेल पॉलिश, कोई बंदा है वो एकदम तैयार व्यार हुआ है अच्छे से, ठीक है, तो उसमें अब देखो ये बहुत अच्छा है, मतलब ये कोई वर्ड ऐसे बोलने में इतना नहीं लगता है, बट ये अच्छा है क्योंकि ये सारे कवर करता है, देखो ओ से ऑक्सीजन कवर हो गया, एस है ना वो सल्फर कवर हो गया, फिर एस ई, तुम्हें ई भी मिल गया तो वो चीज़ सही है, टी ई भी मिल गया, पी ओ भी मिल गया, तो ये याद करने में हेल्प करता है, ठीक है, न्यूज़ नहीं देखनी। चलो ग्रुप 16 का ये था, अब ग्रुप 17,
क्लियर करना है। ग्रुप 17, ग्रुप 17 देखो मैं याद कर लो बेस्ट है, ठीक है, कुछ नहीं है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, यही यूज़ होते हैं। लास्ट में एक एस्टाटीन भी है बट ये इतना नहीं दिखता है। तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, मन में एक दो बार बोले याद हो जाएगा, इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। काशी गए, ओके, एक बार फिर से एक बार रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। एक नोबल गैस को कर लें पहले, फिर एक बार पूरा 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 ग्रुप में यहाँ पे शॉर्ट में लिख दूंगा। ग्रुप 18 हमारे पास आ जाता है लास्ट, ये हमारी नोबल गैसेस हैं। सो यहाँ पे हमें मिल जाती है हीलियम, देन वी हैव नियॉन, देन वी हैव आर्गन, देन वी हैव क्रिप्टन, देन वी हैव ज़ेनॉन, देन वी हैव रेड ऑन, इतने इंपॉर्टेंट है, ओके। अब लास्ट वाला एक छोड़ा है, ऑब्वियसली सब में छोड़ा है। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेड ऑन। हीलियम, ओके, इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक बहुत सही है, ही नीड्स अर्जुन, अर्जुन हमारा एक हाइपोथेटिकल कैरेक्टर, अर्जुन कर्माकर एक्स रे, ही नीड अर्जुन कर्माकर एक्स रे। अब देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ख़त्म। अब एक बार मैं सारे ग्रुप्स एक बार लिख देता हूँ और सबका ले लेता हूँ, सबका एक बार में लिख लेता हूँ तो बेटर रहेगा, ओके। सो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इसको ना ऐसे नहीं करते, रुको, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है, ये हेड मेंबर्स, फैमिली इन्हीं के नाम से होती है, ठीक है। फिर बोरॉन में क्या आता है, बोरॉन की ट्रिक क्या थी, बैगेट, तो बोरॉन बैग ए एल्यूमिनियम, ठीक है, बैग बी ए जी। गैलियम आता है जर्मेनियम, कौन सा है, गैलियम, अल्फाबेटिकल, बैग इट इंडियम आई एन, ठीक है। फिर इट थैलियम, थैलियम का टी एल होता है ना कि टी एच। चलो कार्बन, कार्बन फैमिली का ट्रिक क्या था, अच्छा मैं ट्रिक भी साथ साथ लिख देता हूँ, इसका ट्रिक क्या है, bagit.com, ठीक है। चलो अब इसका देखो, कार्बन वाला, कार्बन फैमिली क्या है, कासी का है संदर्भ, ठीक है, कासी सिलिकन, कासी है ना, कासी गए। अब यहाँ पे जो जी आ रहा है वो कौन सा है, जी ई, जर्मेनियम, ठीक है, ओके। काशी गए संत प्रभु, संत कौन सा, संत क्या है, टेन एंड देन लेड, ठीक है, सिलिकन, जर्मेनियम, टेन, लेड। नाइट्रोजन में क्या है, ना पास, सब बकवास, ठीक है, ना पास, पास पी ए एस, ठीक है, ना पास, सब, एंटीमनी, बकवास, ठीक है, बिस्मिथ बी आई, ओके। अब ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन का ट्रिक, अच्छा और ट्रिक इसका ट्रिक है, काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु, जी ए होगा यहाँ पर। चलो अब इसकी ट्रिक क्या थी, ना पास सब क्या, बकवास, ना पास सब बकवास। चलो पास होने के लिए पढ़ते हैं, ऑक्सीजन फैमिली का ट्रिक क्या है। देखो अभी मैं ना, अभी तुमको ऐसा लग रहा होगा कि यार मेरे को ट्रिक नहीं आ रही है, ऑक्सीजन फैमिली की है, ये क्या था अब मेरे को ट्रिक नहीं आ रही है, मतलब मेरे को पता नहीं ऑक्सीजन फैमिली का क्या है, फिर उसका क्या है, ऐसा मैं अभी तुमको एक तरीका बताता हूँ। अगर तुमको 30 तक एलिमेंट्स याद हो जाते हैं तो बहुत आसान है, बहुत 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 आसान है, अभी मैं तुमको बाद में बताता हूँ, जब हम पीरियोडिक टेबल लास्ट में करेंगे फिर उसमें तुम्हें आ जाएगा। फिलहाल के लिए ऑक्सीजन का होता था ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, ठीक है, ओ स्टाइल से क्या है, सेलेनियम, तेल, टी ई,
टेल्यूरियम, ठीक है, टेल्यूरियम तेल, पॉलिश पॉलिश, पोलोनियम, ठीक है, पोलोनियम। अब ये मैंने तुम बोला याद कर लो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन, और लास्ट में एक एस्ट क्या होता है, एस्टाटाइन, एस्टाटाइन, इसका एस नहीं होता, एटी होता है, एस्टाटाइन, ठीक है। अब नियॉन, ही यहाँ पे एक, अरे ये गलत लिख दिया मैंने, हाँ ये इसके ऊपर होता है ना एक्चुअली पीरियोडिक टेबल में, तो उसी तरीके से टर्न, जब हम समझ गए होंगे, हीलियम नियॉन, ही नीड्स अर्जुन आर्गन, करमाकर क्रिप्टन, ज़ेनॉन एक्स रे रेडॉन, ख़त्म। दिस वॉज होल पी ब्लॉक। अब इनके ट्रिक मैं नहीं लिख रहा क्योंकि मैं आलसी हूँ। अब हो गया ये, अब एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक, अब डी ब्लॉक करते हैं, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट। अच्छा जब डी ब्लॉक करोगे तो डी ब्लॉक का जो फर्स्ट है, अगर मैंने बोला तुम्हें 30 तक एलिमेंट याद करो, तो फर्स्ट वाला जो रो है वो ख़त्म हो जाता है, तो यानी कि फिफ्थ पीरियड से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे, फिफ्थ पीरियड स्टार्ट करेंगे। सो फिफ्थ पीरियड में सबसे पहले हमारे पास सो फिफ्थ पीरियड में हमारे पास है सबसे पहले यट्रियम, वाई से, वाई से डिनोट करेंगे इसे, जिरकोनियम, यट्रियम, जिरकोनियम, एन बी, नियोबियम, एम ओ, मॉलिब्डेनम, इसे था ना एक टेल्यूरियम, रिपीट थोड़ी होगा, टी सी, टेक्नीशियम, 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 ठीक है, टी सी, फिर आर यू से हमारे पास है रूथीनियम, फिर आर एच से है हमारे पास रोडियम, पी डी से है प्लैडियम, एंड ए जी से है सिल्वर, और एक सी डी से है कैडमियम, ठीक है, सी डी से क्या है, कैडमियम है। अच्छा ये जो बनाया है ये मैंने ऐसे वर्टिकली बना दिया, इसको हॉरिजॉन्टल होगा पीरियड है ये, ठीक है। चलो ट्रिक क्या है, ट्रिक है यार, ज़ारा, ज़ारा किसी का नाम है यार, ज़ारा ने मुझे, यार ज़ारा ने मुझे, यार ज़ारा ने मुझे तुम्हें, यार ज़ारा ने मुझे तुम्हें रुके रहने, यार ज़ारा ने मुझे तुम्हें रुके रहने पर एडवाइस किया, यार ज़ारा ने मुझे तुम्हें रुके रहने पर एडवाइस किया, ठीक है, एडवाइस किया। अब देखो किया सी से है, ओके, यार ज़ारा ने मुझे तुम्हें रुके रहने पर एडवाइस किया, इसमें देखो कैसे करना है, वाई से यट्रियम हो जाएगा तुम्हारा, जेड आर से जरकोनियम हो जाएगा, एन बी, एन से तुम्हारा नियोबियम हो जाएगा, ठीक है, मॉलिब्डेनम के लिए एम, ठीक है, तुम्हें तुम्हें तुम्हें, ये टेक्नीशियम के लिए है टेक्नीशियम, ओके, फिर अपना रूथीनियम के लिए है आर यू, एंड देन रुके रहने आर एच, ठीक है, ये किसके लिए, रोडियम, रूथीनियम, रोडियम, प्लैडियम है पी ए, पी ए प्लैडियम, पी ए नहीं, पी सिर्फ पी प्लैडियम, क्योंकि पी डी होता है, और फिर हमारा सिल्वर के लिए है ए, ए जी होता है सिल्वर का, एंड कैडमियम के लिए सी डी है, तो हमारे पास यहाँ पे सी है। या ज़ारा ने मुझे तुम्हें रुके रहने पर एडवाइस किया, ठीक है, यूट्रियम, वाई, जेड आर, जरकोनियम, देखो ऐसे करना है, इसको मन में ट्रिक बोलनी है, यार ज़ारा ने मुझे तुम्हें रुके रहने पर एडवाइस किया, फिर यार वाई, है ना, ऐसे मन में चलना चाहिए, यूट्रियम, यूट्रियम, यार ज़ारा, जरकोनियम, ज़ारा ने, ने, ठीक है, एन, एन बी, नियोबियम, फिर मुझे, मुझे, तो यार ज़ारा ने मुझे, तो ऐसे होना चाहिए। चलो एक ला, एक और याद करना है बस, उसके बाद लास्ट वाला जो रो है वो तो रेडियो आप करें। अब आ जाएगा ग्रुप, सॉरी ग्रुप नहीं, सिक्स्थ पीरियड टी एच, सिक्स्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड में हमारे पास है
हैफ्नियम, ओके, हैफ्नियम, 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 टेंटालम, टेंटालम, टंगस्टन, टंगस्टन का डब्ल्यू होते हैं, फिर रिहीनियम, रिहीनियम, ठीक है, फिर ऑस्मियम, इरीडियम, प्लैटिनम, प्लैटिनम, गोल्ड, मर्क्यूरी, ठीक है, प्लैटिनम, गोल्ड, मर्क्यूरी। इसमें क्या है, इसमें ट्रिक क्या है, अच्छा यहाँ पे ऊपर लैंथेनॉइड्स होते हैं, पता ही होगा, नहीं पता तो पीरियोडिक टेबल देख लो। लैंथेनॉइड्स क्या होते हैं, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स होते हैं दो, सिक्स और सेवन्थ में, जो कि ग्रुप डी से या फिर कह लो थर्ड ग्रुप से शुरू होते हैं सिक्स एंड सेवन्थ पीरियड पे, और वो उनको हम एफ ब्लॉक में रिप्रेजेंट करते हैं ताकि अपना पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक टेबल सही रहे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट होते हैं। सो देखो मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ, याद रख लो, इसका यूज़ होगा जब हम पीरियोडिक टेबल लिखेंगे। तो तुम देखो ये बहुत सिंपल है, क्योंकि पी डी के नीचे याद रखो प्लैटिनम आता है यार, पैलेडियम के नीचे प्लैटिनम, पैलेडियम के नीचे प्लैटिनम, सिंपल, ठीक है, सिल्वर के नीचे गोल्ड, सिल्वर के नीचे ए यू, ए जी ए यू, ए जी ए यू, सिल्वर ऊपर ए जी ए यू, ये पीरियोडिक टेबल लिखने में हेल्प करेगा। फिर लास्ट में एक कैडमियम और एच जी वाला भी याद कर लो, कैडमियम के नीचे मरकरी। चलो अब ट्रिक क्या है, ट्रिक है ला हफ्ता, गुंडे लोग हफ्ता मांगते ना, ला हफ्ता ताऊ, ताऊ से मांग रहे हैं, ला हफ्ता ताऊ, वरना 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 रे, अब भाई गुंडा मवाली वाली लैंग्वेज भी यूज़ करेगा, ला हफ्ता ताऊ वरना रे, उस वरना रे उस आयरन रॉड, आयरन रॉड, यहाँ पे एक वर्ड है जिसका कोई मतलब नहीं है, से मतलब नहीं, मतलब वो ट्रिक में उसका कोई मतलब नहीं है, आयरन रॉड से पिटाई और होगी, ठीक है, पिटाई और होगी, पिटाई क्या होगी और होगी, ला हफ्ता ताऊ वरना रे उस आयरन रॉड से पिटाई और होगी। सो हैफ्नियम ला, देखो अब देखो पता ही चल जाता होगा, इसको बताने की जरूरत नहीं पर तब भी, देखो लैंथेनॉइड हो गया पहला, फिर हैफ्नियम एच एफ, हैफ्नियम पहला वर्ड, ताऊ टी ए ताऊ, ठीक है, टेंटालम क्या है, हैफ्नियम, टेंटालम, हैफ्नियम, टेंटालम किसके बाद एच एफ टी ए, फिर आ जाता है डब्ल्यू, डब्ल्यू से आ जाता है हमारा टंगस्टन, फिर आ जाता है हमारा आर ई वरना रे, ठीक है, और आर ई से हो जाता है रीनियम, रीनियम, फिर उस यहाँ पे थोड़ा हिंदी में इसलिए लगा ऑस, ओ एस ऐसे, उस ऑस सेम साउंड करते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ऑस्मियम, आयरन आई आर, इरीडियम, ठीक है, और फिर आयरन रॉड से इसमें पूरा एक ही है सर, पिटाई, पिटाई, पिट, पी टी जैसा साउंड करना है, सो वो हो जाता है प्लैटिनम, प्लैटिनम, ठीक है, फिर लास्ट में और ए यू, और किससे लगाना है, ए यू आर, और है ना, सो ए यू गोल्ड, एच एच डी हो जाएगा इससे मर्करी। सो ये हमारा सारा का सारा ख़त्म। अब जितना तुम्हारे पास कंटेंट है इसके बेस पे हम लोग क्या करेंगे, पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं ड्रॉ करेंगे बस। चलो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, ये फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ इसका, स्क्वायर नहीं ज़्यादा छोटा हो गया, हाइब्रिड, हाँ अभी ठीक है। देखो कितने ग्रुप्स होते हैं, एक ग्रुप्स नहीं पीरियड्स, एक दो तीन चार पाँच छः सात, नीचे एफ ब्लॉक भी होता है। चलो कितने वो होते हैं ग्रुप्स, 18, वेरी नाइस, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह। चलो अब इसको करें, पहला एलिमेंट मैंने बोला 30 तक याद कर लो, तो हाइड्रोजन, फिर हीलियम, हीलियम देखो लास्ट में आएगा था ना, नोबल गैसेस है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम,
अब देखो यहाँ पे तुमको एक कोड याद कर लो, 2 8 8 18 18 32 32, ये कोड जब तक तुम्हें याद है तुम्हारा जीवन सुखी है। मतलब फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स आएंगे, सेकंड पीरियड में 8 आएंगे, थर्ड पीरियड में 8 आएंगे, फोर्थ पीरियड में 18 आएंगे, फिफ्थ पीरियड में 18 आएंगे, सिक्स पीरियड में 32 आएंगे, सेवन्थ पीरियड में 32 आएंगे। अच्छा अगर तुम्हें ये कोड ये सीक्वेंस याद है 2 8 8 18 18 32 32, तो तुम हीलियम वो जो ही नीड अर्जुन करमाकर एक्सरे हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन ये भी इनके तुम एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो। जैसे मैं तुम्हें बोलूँ कि क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, तुम्हें कोड पता है, तुम्हें सीक्वेंस पता है, तुम्हें पता है सीक्वेंस, तुमने निकाला ही नीड अर्जुन कर्माकर एक्सरे, अच्छा क्रिप्टन का ही निकालना है ठीक है। अब देखो ही नीड अर्जुन कर्माकर एक्सरे तुमको पता है कि 2 8 8 18, ठीक है पहले वाले का 2 हो जाएगा, दूसरे वाले का 2 प्लस 8 दैट इज 10, यानी कि सेकंड में 8 हैं ऊपर 2 हो गए तो 2 प्लस 8 10, तो 10 हो जाएगा, 18 नहीं हो जाएगा। अब 10 प्लस फिर से कितना 8, देखो ना 2 8 फिर से 8 18 हो जाएगा। अब इसके बाद 18 और एलिमेंट्स ऐड कर दिए तो 18 और ऐड हो जाएगा 18 में एंड वील गेट 36, 18 18 36, तो क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर 36। तो इससे तुम एटॉमिक नंबर पता कर सकते हो, हाइड्रोजन हीलियम। अब देखो अब तुम ग्रुप वाइज चलो, हाइड्रोजन हीलियम ऐसे भी चल सकते हो अगर तुम्हें याद है कि 13 से स्टार्ट होता है हीलियम, हाँ ऐसे ही करते हैं, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, फिर यहाँ पे आ जाएगा हाँ ये पे आ जाएगा बोरॉन, 8 है ना इसमें, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, ठीक है फिर यहाँ पे सोडियम मैग्नीशियम, मेरी राइटिंग पे मत जाओ, सोडियम मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम सिलिकन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन ठीक पोटेशियम कैल्शियम। अब देखो यहाँ पे ये 18 है तो तुम्हें इससे आइडिया लग गया, ऐसे डी ग्रुप चालू हो गया, कैल्शियम पोटेशियम कैल्शियम स्कैंडियम, अरे स्कैंडियम का SN नहीं होता SC होता है पीछे भी, अगर मैंने लिख दिया तो करेक्ट कर लेना, स्कैंडियम ठीक है, स्कैंडियम टाइटेनियम वनाडियम क्रोमियम मैंगनीज MN मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, डन है। अब इसके बाद देखो मैं तुमको एक चीज़ याद कर रही थी, गैलियम पहले आता है, यहाँ से गैलियम चालू हो जाता है, गैलियम जर्मेनियम, ठीक है तो पहले क्या आता है गैलियम, फिर आता है जर्मेनियम, फिर एक चीज़ याद कर लो एस से ठीक है, गैलियम जर्मेनियम एस से ब्रोमिन क्रिप्टन, गैलियम जर्मेनियम एस से ब्रोमिन क्रिप्टन, एस से हो जाएगा SAS से हो जाएगा आर्सेनिक। इसको मैं ग्रुप वाइज भी कर सकता हूँ बट मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम टू मैक्सिमम कवर हो जाए तो ग्रुप में करना इजी रहेगा ठीक है। एस से सेलेनियम, फिर यहाँ पे आ जाएगा ब्रोमीन और यहाँ पे आ जाएगा क्रिप्टन, है ना। अब देखो अब जो बच्चे खुचे हैं उनको तुम ग्रुप वाइज कर लो, हलीना की रब कोई और कलर, ब्लू कलर लेते हैं, ये कलर बहुत मस्त लगता है, हलीना की रब से 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 देखो यही फंसता है, से SCS है ठीक है, सीजियम फरियाद फ्रेंचम, सिर्फ इसका पता नहीं क्यों मैंने याद कर लिया, बेटा मांगे कार स्कूटर SR ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप क्या हो गया राजी हो गया, बाप क्या हो गया राजी हो गया। मान लो तुमने ये हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम इतना लिख लिया और तुमको एकदम से लिखना है ना, तो तुम्हें इतना इतना लंबा कोड, अरे रेडियम है तो इतना लंबा कोड ना याद करते तो तुम्हें एक वर्ड याद करते हो कसर बारा एक शहर का नाम है, हाइपोथेटिकल शहर ठीक है, तो CASR कसर BARA बारा ठीक है, बैरियम रेडियम। चलो अब यहाँ पर आ जाओ, ये पी ब्लॉक कर लेते हैं पहले, अच्छा यहाँ तक क्या था एस ब्लॉक, फिर यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक कितना कौन सा है नीचे साइड डी ब्लॉक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा है पी ब्लॉक। अब चलो पी ब्लॉक में देखो ये क्या था बी, अब देखो तुमको ना वो अगर तुमको लाइंस हल्की सी भी दिमाग में है तो अब तुमको कोड बहुत आसानी से याद आ जाएगा, ट्रिक बहुत आसानी से याद आ जाएगी, क्योंकि पहले के 3 तुमको दे ही दिए BALG, तुम इससे देख सकते हो बैग इट, हाँ तो इंडियम थैलियम ठीक है, यहाँ पे भी एक होता है
और फिर काशी गए संत प्रभु लेड, फिर एस बी, ऐसे एस एन के बाद एस बी आता है, ऐसे कुछ चीज़ें ना बनाते बनाते आ जाएंगी तुमको, एस एन के बाद एस बी आता है, वैसे भी कर सकते हो। ना पास सब बकवास बिस्मित, ठीक है। फिर ओ स्टाइल से तेल, तेल कर लो यहाँ पे, तेल पॉलिश पोलोनियम, फिर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फिर यहाँ पे मैंने बताया एक एस्टेटीन आता है जिसका एटी होता है जो कि इम्पोर्टेंट भी नहीं है, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन, फिर हमारे पास है ज़ेनॉन एंड रेडॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन, मतलब इसके रिएक्शंस कम ही दिखते हैं एस्टेटीन के। चलो अब आ जाओ ग्रुप डी, डी डी ग्रुप एलिमेंट्स में। सो, इसमें क्या मिल जाएंगे हमको, हमको मिलेगा इसमें पीरियोडिक टेबल, ऐसे ही हेडिंग डालने का मन कर गया मेरा, पीरियोडिक टेबल है और कुछ नहीं है। देखो रुबिडियम, हाँ ये मैंने ट्रिक बताया था, क्या था ट्रिक, यार ज़ारा ने मुझे तुम्हें, यार ज़ारा ने मुझे तुम्हें रुके रहने पर एडवाइस किया, यार ज़ारा ने मुझे तुम्हें रुके रहने पर एडवाइस किया, ठीक है। यार ज़ारा ने मुझे तुम्हें रुके रहने पर एडवाइस किया, तो यार यट्रियम, ज़ारा ज़र्कोनियम, ज़ारा ने नियोबियम, नियोबियम, ठीक है, एन बी, यार ज़ारा ने मुझे तुम्हें नियोबियम, मुझे मॉलिब्डेनम एम ओ, ठीक है, सिंबल एंड नेम याद होना चाहिए, मॉलिब्डेनम क्या है, एम ओ, यार ज़ारा ने मुझे, यार ज़ारा ने मुझे, मुझे के बाद क्या है तुम्हें, तो यहाँ पे अरे यार फिर से टी लिख दिया, टी सी क्या है यहाँ पे, टी सी, टी सी मतलब टेक्नीशियम, ठीक है। फिर यार ज़ारा ने मुझे तुम्हें रुकने, आर यू रियथीनियम, मुझे तुम्हें रुके रहने, रुके रहने, आर यू आर एच, आर यू आर एच रहने, रुके रहने पर एडवाइस किया, पर प्लाडियम, पर एडवाइस ए जी किया, कैडमियम, अच्छा इसमें मैंने बोला था ना प्लाडियम, ये सिल्वर कैडमियम, ये याद कर लो, क्योंकि फिर तुम्हें, अगर तुम्हें याद है तो तुम्हें याद हो जाएगा कि इसके नीचे प्लाडियम के नीचे प्लाटिनम आता है, सिल्वर के नीचे गोल्ड आता है, एंड कैडमियम के नीचे मर्करी आता है, ठीक है। और एक और चीज़ बताता हूँ, ये मान लो आर यू आर एच पी, तो आर एच एंटीजन के बारे में अगर तुमने पढ़ा है तो तुम्हें ये ट्रिक आ जाएगी, आर यू आर एच पॉजिटिव, क्या तुम आर एच पॉजिटिव हो, तो आर यू आर एच पी डी, तो ये तुम्हें उससे कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। फिर आता है हमारे पास हमारा जो बताया था ना, ये कौन सा है, सिक्स्थ, सिक्स्थ सिक्स्थ ग्रुप के लिए जो ट्रिक बताई थी, एंड वो ट्रिक है, पहले तो यहाँ पर, इनको अलग कलर से लिखो, लैंथेनॉइड्स आते हैं और यहाँ पर एक्टिनॉइड्स आते हैं, यहाँ पर क्या आता है लैंथेनॉइड, यहाँ पर एक्टिनॉइड जो कि एफ ब्लॉक में शो किया जाते हैं, तो इससे हमें मतलब नहीं है, आगे बढ़ते हैं। लैंथेनॉइड्स के बाद ला ता ला हफ्ता, हैफमियम, हैफनियम, ला हफ्ता ताऊ, टेंटालम, ला हफ्ता ताऊ टेंटालम, वरना टंगस्टन, वरना रे रिहीडियम, वरना रे उस ऑस्मियम, उस आयरन रॉड से फिर क्या करेगा वो, पिटाई और होगी। चलो और ये हो गया हमारा रेडियो एक्टिव एंड ख़त्म, बस इतना था, और पीरियोडिक टेबल होप अच्छे से याद हो गया हो। चलो ख़त्म करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, काफ़ी लंबा हो गया होगा वीडियो फिर से, नहीं 44 मिनट्स, कोई नहीं देखने वाला, एक भी व्यू नहीं आएगा इस पर।
करिए, यूट्यूबर की मदद कीजिए कृपया करके, शेयर की नहीं, मैं नहीं बोलूँगा ये